किसान मित्रों, आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र में और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पंढरपुर एरिया में पशुपालन कैसे किया जाता है। हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास पास जो घंटी होती है उसको भी दबाएं। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे भैंस पालन भी है, गाय पालन भी है और बकरी भी रखी हुई है और यहाँ पर मैं अभी मुर्गियाँ भी देख पा रहा था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की ये पंढरपुरी भैंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके बेसिकली सिंग से इसकी पहचान होती है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसका दूध निकालते हो इन सभी का? हाँ, सभी का हम निकालते हैं। ठीक है, इतना बड़ा सिंग है, ये मारती नहीं है आपको? इतना मारती। अच्छा, कभी कोई हटना नहीं हुआ इसके सिंग से? नहीं, नहीं। कुछ नहीं, स्वभाव में शांत रहती है? शांत रहती है। ठीक है, और कितना दूध देती है आपको ये भैंसे? एक टाइम में 4-5 लीटर देती है। 4-5 लीटर डेली देती है? डेली का यानी कि 8 से 10 लीटर तक दूध देता है 10 लीटर रोजाना का? तो और सेहत में काफी कमजोर लग रही है। उसकी उम्र हो गई है। उम्र हो गया है इसका? कितना उम्र हो चुका है इसका, कुछ बता सकते हैं? 10 साल। 10 साल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पंढरपुरी भैंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ की जो खिलर ब्रीड है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लेकिन हालांकि इसके ऊपर स्पेशल वीडियो आएगी, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा आई बटन से जाके। तो आप देख सकते हैं ये खिलर ब्रीड है यहाँ की, और यहाँ पर इनका जो फेमस जो काफ़ी नाम जीत के आ चुका, जिसके कारण हम स्पेशली यहाँ पे विजिट किया था, वो बुल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देसी ब्रीड है आपकी, लोकल देसी ब्रांड है। और इनका यहाँ पर आप दूध के लिए पालते हो या वैसे ही? दूध के लिए भी चलती है और उसको बच्चा के लिए, बच्चे भी अच्छा रहता है, बच्चे भी अच्छे रहते हैं। और यहाँ पर अभी मिल्किंग की जा रही है, तो आपको वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो लोकल ब्रिड है यहाँ की महाराष्ट्र की, उसकी मिल्किंग भी की जा रही है। कितना टाइम दूध निकालते हो आप इसका? दो टाइम निकालते हैं। कितना दूध देती है यहाँ की ब्रिड ये? 2 लीटर देती है। 2 लीटर देती है? 2 लीटर डेली या एक टाइम का? एक टाइम का 2 लीटर दूध रहता है। तो आप देख सकते हैं, और इसकी अडर की क्वालिटी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। सेहत के लिए बहुत अच्छा दूध है इसका। गाय भी खाती, झाड़ पर, आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है दूध। अच्छा, बहुत अच्छा दूध है इसका। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी मिल्किंग अभी लगभग खत्म होने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, देख सकते हैं पहली बार हम बकरी की मिल्किंग कवर कर रहे हैं। और आप देखें, ये 1 लीटर का है। बच्चे पिए? अच्छा, पहला पहले भी पिया है? हाँ, निकाला है बच्चे ने? बच्चे ने भी पिया है? ठीक है। पीने के बाद वो रहता है ना, वो निकालते। बच्चे पीने के बाद जो रहता है वो निकाला है। तो इनका दूध आप हर में पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं? खाने के लिए, बच्चों को पीने के लिए। बच्चों को पीने के लिए काफी अच्छा होता है, हेल्दी होता है? बहुत अच्छा होता है। वो सब पत्ती का, सब पत्ती खाती है ना? वो सब पत्ते खाती है? सब पत्ते खाती है, इसलिए सेहत के लिए अच्छा होता है। सेहत के लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बहुत शानदार वीडियो मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, उसके पास जो घंटी होती है उसको भी दबा लें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू। और जो दोस्त हमसे पशुपालन सीखना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है, वो हमसे इस नंबर पे संपर्क करें।